प्रभु का बाल्यकाल कैसा है, यहाँ पर गोस्वामी जी अब ये वर्णन कर रहे हैं। प्रभु का आचरण कैसा, प्रभु प्रातः काल उठते हैं, उठने के बाद अपने घर के श्रेष्ठ जनों को ठाकुर जी प्रणाम करते हैं। जितनी भी बार इस क्षेत्र में कथा हुई है, मैंने प्रत्येक बार सिर्फ यहाँ नहीं हर जगह ये निवेदन किया है, स्वभाव बनाइए। संस्कार दिया कम जाता है, पहले आप संस्कार में खुद आइए, संस्कार में आया जाता है। आप स्वयं संस्कार में आएंगे तो घर के बच्चे भी आपसे वही चीज सीखेंगे। प्रातः काल उठकर ठाकुर जी सबको प्रणाम करते हैं। मैंने सदैव निवेदन किया कि आप भी जब उठिए ना तो अपने से बड़ों को प्रणाम करने का स्वभाव बनाइए। कितने लोगों ने शुरू किया ये तो मुझे नहीं पता, और कितने करेंगे ये भी नहीं पता, और करेंगे तो कितने दिन चलेगा ये भी नहीं पता, ये भी नहीं मालूम। पर कहना मेरा कर्तव्य है, जो मेरी गोस्वामी जी की श्री रामचरित मानस ये बात कह रही है वही मैं भी निवेदन करूंगी कि अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना बहुत आवश्यक है। जब भी आप, मैंने अभी शुरुआत ही उसी कथा से की है कि जो झुकता है वो जीवन में सदैव प्राप्त करता है, सदैव प्राप्त करता है। माता पिता को प्रणाम किया जाए, गुरुजनों को प्रणाम किया जाए, ठाकुर जी भी करते हैं, वो स्वयं कर रहे हैं और हमें संकेत दे रहे हैं आपको भी करना चाहिए। अच्छा कौन कौन करेगा कल से जरा हाथ उठाइए, हम दर्शन कर ले। खैर चलो, एक बात यह है कि ईमानदार श्रोता है, झूठ नहीं बोल रहे, हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बात खत्म। ये भी एक तरह का एक अच्छा ही गुण है आपका कि आपने ईमानदारी दिखाई। लेकिन भैया प्रयास करिए, अगर कथा कहते ना कि रामचरित मानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा, रामचरित के पथ पर चलकर अब इतिहास बदलना होगा। अगर सुन रहे हैं तो कुछ गुनेंगे तब ना। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों से बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, बच्चा मेरा सम्मान करे, बच्चा मेरे पैर छुए, बच्चा मुझे आदर दे। अरे आप तो किसी के बच्चा हो और आपके माँ बाप ने भी यही उम्मीद करी होगी, आपने किया क्या? अगर आपने किया है तो आपको अपने बच्चे को कहने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने नहीं किया है तो बच्चे से उम्मीद लगाने के आप हकदार नहीं है, आपको नहीं है हक इस बात का। एक जगह पे एक संत आए और पिताजी बच्चे से, बच्चे और पिताजी एक साथ थे दोनों, पिताजी और उसका पुत्र, पुत्र से पिताजी ने कहा महाराज को प्रणाम करो, बच्चे ने कहा फिर कहा प्रणाम करो, तीन बार का प्रणाम करो, नहीं पिताजी ने खींच के लगा दिया। महाराज जी ने कहा एक बात बताओ, बेटे को तो एक झापड़ तुमने धर दिया, ये बताओ तुम बार बार बेटे से कह रहे थे कि प्रणाम करो प्रणाम करो, अरे तुमने किया क्या? अगर तुम करते तो तुम्हें देखकर शायद बच्चा भी कर लेता, आपने किया तो नहीं पर उम्मीद जरूर कर रहे हो मेरा बच्चा प्रणाम करे। आप जो चीज अपने जीवन में चाहते हैं ना कि मेरे जीवन में मेरा बच्चा ऐसा ऐसा करे, आपको स्वयं भी वो चीज करनी हो। अपने माता पिता का आदर आप करेंगे तो आपका बच्चा भी आपका आदर करेगा। ज्यादा विस्तार में इस पर चर्चा नहीं करूंगी, आप सब समझदार श्रोता हैं, सब समझते हैं। प्रभु गुरुकुल गए हैं विद्या अध्ययन करने के लिए। प्राचीन काल में यह नियम था कि जब अगर शिक्षार्थी को कुछ पाना है तो सब कुछ घर का सुख छोड़कर सुविधा छोड़कर गुरु की शरण में जाना पड़ता था। आज के समय में शिक्षा पद्धति भी बदली है, बदलाव तो ठीक है पर निवेदन ये करूं अपनी संस्कृति को साथ में लेकर चलते हुए